सी आ गया भी आ गया तो लोसी भाई आ। तो अब हम जा रहे हैं अंदर दोनों। ये आपको मैंने बंकर दिखाया, अब हम बंकर जंगलों में जैसे दुश्मन को मार। इसका 3300 kg है। हाँ जी जी सर। और इस टैंक का वेट है 41.5 टन। 41.5 टोटल कितना हुआ इसका? इस फेस्टिवल में टैंकरों के बारे में जानो। हेलो गाइस, मैं आपका भाई नौसी आ गया भी आ गया तो नौसी भाई आ गया। तो आज नौसी भाई है सुखना लेक सेक्टर 5 में और यहाँ पे आने का कारण क्या है, यहाँ पे ना भाइयों आज 6th मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल लगा हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना भाइयों आपको भी ना मिलिट्री फेस्टिवल में आपको भी घुमा दूँ यहाँ पे कैसा है, क्या क्या चीज़ दिखा रखा है। तो चलो ब्लॉग के साथ मेरे ना चलते आगे। तो मेरा भाई सोलन भी आया था, तो अब हम जा रहे हैं अंदर दोनों, आपको दिखाएंगे मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में। ये 6th मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल है चंडीगढ़ में। तो बस चलते हैं। फाइनली हम एंटर कर चुके हैं मिलिट्री फेस्टिवल के अंदर। तो अब ब्लॉग के साथ बने रहना, चलते हैं अभी अंदर, दिखाएंगे आपको अंदर क्या क्या है और कितना शानदार है। तो चलो गाइस, तो मैं भी आपको ना अंदर ले चलूँगा। और अंदर ना शुरू में यहाँ पे पेंटिंग्स लगा रखी है, तो मैं आपको दिखाऊंगा बहुत पुरानी पुरानी पेंटिंग्स है। और यहाँ पे ना संदेश है 1947-1966 का, जब क्या कहते हैं वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब की भी यहाँ पे ना कुछ चिट्ठियाँ रखी है, तो मैं भी आपको वो भी दिखाता हूँ। चलो तो ये है भाइयों पूरे अंदर का नज़ारा, आप देख सकते हो टेबल लग रखे हैं, स्टॉल लगे हुए हैं और लोग यहाँ पे लंच कर रहे हैं। तो हम अभी आगे चलेंगे, वो है इंडियन आर्मी वेपन एंड इक्विपमेंट डिस्प्ले जैसा आप देख रहे हो, लेकिन हमने ये नहीं दिखाना आपको, कुछ और आगे दिखाएंगे। चलो चलते हैं। यहाँ पे ना एक फुल माइंड लॉच नाम का एक टैंकर है, तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे, इसकी वर्किंग कैसी है, ये काम कैसे करता है। तो चलो चलते हैं, ये मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये इसी टैंकर के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। तो चलो चलते हैं भाई, हम मिलिट्री वाले से जानते हैं कि ये वर्किंग कैसे करता है, काम कैसे करता है और कहाँ से लाया गया है। तो इसकी वर्किंग कैसे होती है सर? के सर। हाँ जी सर। और ये रशिया का है। हाँ जी जी। और ये इसके मॉडिफिकेशन किया गया है एब्डोमिनल फील्ड में समान। अच्छा अच्छा सर जी। हाँ जी। तो ये इंग्लैंड ने मॉडिफिकेशन किया गया है। अच्छा, जो हमें दिया गया बाद में। अच्छा, ये इंग्लैंड में हुआ था? ये जो आगे लगा है। हाँ जी जी सर। इंग्लैंड का मॉडिफिकेशन। ये कितने साल पुराना हुआ? कुछ ये सर हमको अभी तकरीबन 20 साल पुराना है। 20 साल पुराना। अच्छा। और इसकी कुल विड्थ है? हाँ जी जी। 4.2 मीटर। ओके ओके सर। और ये आपको एक लेंस रोड देगा आपका करीबन 3.75 मीटर। अच्छा सर। इसको डिस्प्ले में लगा गया है। अच्छा सर। हाँ जी हाँ जी सर। ये डिस्प्ले में लगा गया। और ये जो माइंड प्लाव है इसका वेट है 3300 kg। इसका? हाँ जी 3300। इसका 3300 kg है। हाँ जी हाँ जी सर। और इस टैंक का वेट है 41.5 टन। 41.5। टोटल कितना हुआ इसका? टोटल हो गया सर आप लगा लो 45 टन, तकरीबन 45। ओके ओके। और ये माइन पलाओ गेसल, एक गेसल देता है हमें। हाँ जी जी सर। 3.7। हाँ जी। और इसमें एक मेन गन है। हाँ जी जी। 125 mm। कितने? 125 mm। अच्छा अच्छा। मेन गन। हाँ जी जी सर। उसके बाद एक जो आप देखेंगे वो गन छोटी गन लगी है। हाँ जी जी, वो लगी है। क्राफ्ट गन है जो हमारे ऊपर हेली आते हैं ना, हेली। यस यस। उनको डैमेज करने के लिए सर, वो 90 डिग्री पर खड़ा हो जाता है। ओके सर। और इसमें 3 क्रू है सर, ड्राइवर है जो आगे दिख रहा है, जो क्रू है 3 बंदे बैठ सकते हैं, इसमें ऑपरेटर 3 बंदे करते हैं सर। अच्छा सर। जो फर्स्ट में है वो ड्राइवर। हाँ जी। उसके बगल में इस साइड में है गनर। हाँ जी। बगल में जो एंट्री का गन है उसमें है कमांडर। ओके सर, थैंक यू सर। तो भाई मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, मैं तो कहता हूँ भाई चंडीगढ़ नियर बाय में जो भी हो इस फेस्टिवल जरूर आए मिलिट्री फेस्टिवल में, क्योंकि हमारे देश के बड़े बड़े और खतरनाक टैंकरों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। और मैं तो यही बोलूँगा भाई, जितना ज़्यादा लोग आके इस फेस्टिवल में टैंकरों के बारे में जानो कि टैंकर अब हमारे देश में भी मैन्युफैक्चर होने लगे हैं। इससे पहले हमारे देश में ज़्यादातर रसिया से टैंकर मंगाए जाते थे। मैं जितने भी टैंकरों के बारे में जानना चाहा, मैक्सिमम सबने यही बताया कि हमारे देश में पहले रसिया से टैंकर आते थे, लेकिन अब ये टैंकर हमारे देश इंडिया में भी मद्रास साइड में, चेन्नई साइड में और भी कई स्टेट है वहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो ये सारे के सारे टैंकर हैं और बहुत बेहतरीन है भाई।
एक बार आप आओ, जरूर जानो अपने देश में इतने सारे टैंकर हैं, उन टैंकरों के बारे में नाम जानो, इनकी वर्किंग कैसे होती है, पानी के अंदर कैसे वर्क करते हैं, पानी के ऊपर कैसे वर्क करते हैं। माइंस वाले टैंकर हैं यहाँ पे, जैसे कि मिट्टी के अंदर कोई माइंस होती हैगी तो मिट्टी के नीचे से ही माइंस को हटा देते हैं, तो बहुत अच्छी वर्किंग है टैंकरों की भी। उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया टैंकर यहाँ के कैसे कैसे काम करते हैं। मैं तो कहता हूँ भाई एक बार जरूर विजिट करना। तो चलो चलते हैं। तो भाई अभी आपको मेन बैटल टैंक दिखाऊंगा, यहाँ पे एक मेन बैटल टैंक भी है, तो चलो दिखाता हूँ मेन बैटल टैंक कैसा है। ये देखो, ये पूरा की पूरा मेन बैटल टैंक है जो आप देख रहे हो। ये देखो कितना अल्टीमेट। ये देखो इसके टायर देखो मेन बैटल टैंक के, ये है पूरा। और इसकी चैन देखो, ये मेन बैटल टैंक के चैन टायर, मेन बैटल टैंक जैसा आप देख रहे हो आप बिल्कुल। दर्शना नाम दिया हुआ है इस टैंक का, और ये इसके बारे में बता रखा सब कुछ। तो ये हमारे भाई हैं, बिल्कुल अच्छी तरह बताएंगे कि इस टैंक की वर्किंग वगैरह काम कैसे करता है, कहां से आया है और कितने टन का है। ये हमारे इंडियन आर्मी भारतीय फौज की, रशिया में 1990 में इसको मैन्युफैक्चर किया था। हाँ जी जी। और ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट आपको बताना कि ये टैंक अब इंडिया में भी मैन्युफैक्चर होता है। और ये जो पीस है आपके सामने, हाँ जी जी, अबड़ी फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु में बनता है। अच्छा अच्छा। ये वाला टैंक भी इंडिया मेड इन इंडिया। अच्छा अच्छा। इसका वेट 46.5 टन का रहता है। हाँ जी जी। जो 2% से वेरी कर सकता है। हाँ जी। मतलब अगर इसके आगे माइंस के ऊपर बैकअप फ्यूल और भी इक्विपमेंट वगैरह लगा दें, हाँ जी जी, तो ये 46.5 टन से 2% वेरी कर सकता है। ओके। इसकी जो बेसिक और पावर है 1000 horsepower, बहुत पावरफुल इंजन है। 1000 horsepower का पावर टू वेट रेशियो इसका है। और एक टाइम से ये 21.5 horsepower इसके अंदर 1600 liters DSPT अल्फा पावर फ्यूल यूज होता है। DSPT अल्फा पावर फ्यूल एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ डीजल है जो इसके अंदर यूज होता है। स्पेसिफिक काइंड ऑफ डीजल होता है जो आर्म फोर्सेज यूज करते हैं अपने जो अपने व्हीकल्स को पावर देने के लिए डीजल के लिए। मैक्सिमम स्पीड इसकी मेटालिक रोड पर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की होती है। हाँ जी जी। और डेजर्ट और क्रॉस कंट्री रीजन में 40 to 50 किलोमीटर पर आवर की फोर्डिंग ये फीचर होता है। नहीं इसमें फीचर हैंगे दिखा सकते हो मुझे? अंदर से आप वीडियो नहीं बना सकते। अच्छा अच्छा, कुछ बता सकते हो सिस्टम यहाँ से? वो आपको सर बता देंगे। ओके फोर्डिंग बता देंगे। ओके ओके। फोर्डिंग शैलो फोर्डिंग मतलब अगर पानी यहाँ तक, अगर टैंक इतना पानी में जा रहा है, हाँ जी, तो ये अगले 5 किलोमीटर तक जा सकता है आसानी से पानी के अंदर अगर इतना भी होगा। अच्छा अच्छा। पूरे अगर इसका टैंक का ट्रैक पूरा पानी के अंदर हो तो 5 किलोमीटर तक इजीली जा सकता है, अबाउट 40 to 45 किलोमीटर की एवरेज स्पीड। मीडियम फोर्डिंग 1.8 मीटर के साथ, मीडियम फोर्डिंग मतलब यहाँ तक, अगर यहाँ तक है, हाँ जी जी, तो यहाँ तक है तो ये अगले 5 किलोमीटर तक 40 to 45 के बीच में एवरेज स्पीड के साथ 5 किलोमीटर। डीप फोर्डिंग मतलब 5 मीटर मतलब ये पूरा टैंक अगर पानी के नीचे हो। अच्छा अच्छा। टैंक अगर पानी के नीचे हो हाँ, तो फिर भी अगले 2 किलोमीटर तक 30 to 35 किलोमीटर की स्पीड से आसानी से जा सकते हैं। ये पानी के अंदर पूरे पानी के अंदर 30 to 35 किलोमीटर पर आर की प्रति घंटे की स्पीड से 2 किलोमीटर तक आगे जा सकते हैं। अच्छा। एक इसका सबसे खास फीचर ये है, अगर आप कभी भी रिपब्लिक डे परेड देखें या कभी भी आप देखें जहाँ पे टैंक सब कॉन्वॉय जा रहे हैं, ये टैंक सबसे आगे रहेगा, बाकी सब टैंक इसके पीछे, क्योंकि ये 390 बीच में मेन मेटल टैंक है पूरी भारतीय फौज का। अच्छा। सबसे आगे रहेगा, रिपब्लिक डे पर भी सबसे आगे ही रहेगा और बाकी सब टैंक पीछे। थैंक यू। जैसा कि आपने इस टैंक के बारे में जाना कि ये टैंक क्या क्या काम कर सकता है, इसकी वर्किंग कैसी है, तो मैंने सब कुछ दिखाया। चलो और भी टैंक को दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे बहुत से टैंक हैं, उनके बारे में भी जानना चाहेंगे कि उनकी वर्किंग काम कैसे करते हैं और कहाँ से आए हैं और इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं या नहीं। Oh,
ये है भाई, इस टैंक के ना तुम टायर देखो, टायर चैन बिल्कुल अल्टीमेट चैन। तो भाई अब ना हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे ना छोटे छोटे असले रखे हुए हैं, जहाँ पे छोटी छोटी बंदूकें, छोटे राइफल वगैरह के बारे में जानने को मिलेगा हमारे को। तो चलो चलते हैं। तो ये रही एंट्री, ये रही एंट्री। तो भाइयों आप ये जो भी जगह देख रहे हो, सारी की सारी जगह वेपन्स का स्टोर लगा है। मैं अभी आपको सबको दिखाऊँगा कि कौन सा वेपन्स क्या काम आता है और दिखाऊँगा कितने प्रकार के वेपन्स हैं इधर। तो चलो चलते हैं ब्लॉक के साथ बने। अभी मैं चलूँगा बंकर के अंदर, तो चलते हैं बंकर के अंदर, मैं आपको बंकर दिखाता हूँ। ये है पूरा बंकर, देख रहे हो भाई बंकर आप। और ये चलो इधर आओ, और ये लड़का है जंग लड़ने जा रहा है। क्या ले छोटे, आज दुश्मन को मार के आएगा ये लड़का। मारेगा ना भाई, कितने मार गए? हाँ ठीक है भाई, ये आपको मैंने बंकर दिखाया, अब हम बंकर से बाहर जाएंगे। और ये रहा भाई, इस भाई की पोशाक देख लो। ये है जंगलों में जैसे दुश्मन को मारना है तो ये भागे जाएंगे। छोटी गाड़ियाँ जिप्सी कार 8 किलोमीटर का पिक करेगा, और जैसे ग्रुप ऑफ मैन आ रहा है उसको 5 किलोमीटर पर, और सिंगल एनिमी को 2 किलोमीटर जब करेगा। और अगर कोई दुश्मन हमारी तरफ क्रॉलिंग करता है उसको 500 मीटर करेगा। इसकी बेब जो सेंचुरी में जाएंगे ज़्यादा इस सीढ़ियों में दिखाता है, सीढ़ियों में इससे हम आवाज में और कलर कोड में बताएगा उस चार की बताएगा कितनी रेंज में है। ये सभी इससे हम सर्वेलेंस करते हैं 12 किलोमीटर तक 359 डिग्री ऑल राउंड सर्वेलेंस करते हैं, ठीक है। और इसका नाम है LRF लेजर रेंज फाइंडर। इस इक्विपमेंट से हम किसी भी टारगेट का एक्चुअल रेंज पता करते हैं। जब तक हमें किसी भी टारगेट का एक्चुअल रेंज पता नहीं होगा तब तक हम किसी भी वेपन का फायदा नहीं उठा सकते। मान लो दुश्मन हमारा 10 किलोमीटर बैठा है और हम वेपन का साइड 8 किलोमीटर लगा रहे हैं तो सेफ है, क्योंकि जब तक हमें किसी भी टारगेट का एक्चुअल रेंज पता नहीं होगा तब तक बर्बाद नहीं होगा। एक्चुअल रेंज लगाएंगे और टारगेट को बर्बाद करेंगे। जो हमारा ये HSTI है, ये हैंड हेल्थ थर्मल मेजर, ये मेड इन इसराइल का है। इससे हम रात के समय देखने में सहायता मिलती है, जितनी मर्जी रात होगी अंधेरी रात है इससे हम देखते हैं। अमूमन हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि 50 से 100 मीटर तक हम नंगी आँखें हैं, और इसके साथ हम 6 किलोमीटर तक सर्वेलेंस करते हैं। ये से घंटे के लिए हमें काम करता है, जिसमें कितनी देर चलती है भाई? 9 घंटे। टोटल 3 बैटरी होती है, 1 लग जाती है 2 स्पेयर। 24 घंटे के लिए बैकअप होता है। बैटरी कितनी पावर होती है? ये बहुत आप जैसा कि देख रहे हो मेरे पीछे वीडियो में, ये जितने भी आपको मैंने हथियार दिखाए, जितने भी वेपन्स दिखाए, ये बहुत ख़तरनाक वेपन्स थे भाई। और मैं तो कहता हूँ विजिट करो, जानना चाहो ये वेपन्स क्या क्या काम आते हैं,
कहाँ काम आते हैं, पहाड़ी एरियो में काम आते हैं, क्या कहते हैं, और भी कई जगह काम आते हैं भाई। लेकिन एक बार आओगे आप, इनकी रेंज के बारे में जानोगे, इनकी बैटरी बैकअप के बारे में जानोगे, और कितने किलोमीटर तक दुश्मन को पकड़ने में काम आते हैं। ये है भाई इंडियन आर्मी। आज का ब्लॉग आप देख रहे हो, मैं तो कहता हूँ एक बार आप जरूर विजिट करो यहाँ पे, जानो मैं जो मिलिट्री स्टोर लगा हुआ है इसके बारे में, कि यहाँ पे टैंकर रहेंगे और भी कई चीज़ें हैं, स्टोर लग रखे हैंगे और यहाँ पे वेपन्स भी हैं। तो मैं तो कहता हूँ एक बार आप आओ, ओपनली आओ, देखो नज़ारा। आप बहुत से लोग आए हुए हैं यहाँ के बारे यहाँ पे, तो आप भी आओ, जानो, समझो चीज़ों को। आज का ब्लॉग ना यहीं ख़त्म होता है, क्यों सोलन भाई? मज़ा आया भाई आज तो बहुत, अभी तक जो हमने एक्सप्लोर किया ना शायद सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है भाई। देखो धीरे धीरे सेना के लिए ना यार अलग ही फीलिंग आ रहा है अभी ना, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आर्मी में हूँ। भाई का दिल आर्मी में जाने को कर गया यहाँ पे ना, आर्मी का जो सेटअप देखा इन्होंने, एंट्रेंस गेट। तो भाई ये यार मैं तो कहता हूँ अगर कहीं भी फेस्टिवल लगता है वहाँ जाओ, जानने को हमारे को और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और हमारे को तो टैंक टूंक के बारे में, रिवॉल्वर वगैरह, बंदूक के असले के बारे में कुछ पता नहीं था भाई, वेपन्स के बारे में। यहाँ आके हमने जानना अच्छा लगा हमारे को यार, एक बार ज़रूर विजिट करो, आप भी जानो समझो कि यहाँ पे हमारे देश में जो टैंकर है क्या काम आते हैं, जो वेपन्स हैं वो कितनी दूरी तक काम करते हैं। तो सोलन भाई, ओके दोस्तों, ओके मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में भाई, तो हमारे साथ बने रहना।